अस्सलाम वालेकुम मिमी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार सी जो है आलू बैंगन ग्रेवी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पाव हमने यहाँ पर बैंगन लिए, एक पाव आलू है हमारे पे, इनको इस तरीके से हमने कट कर लिया है। यहाँ पे प्याज है एक अदद, इनको इस तरीके से हमने काट लिया। यहाँ पे टमाटर है दो अदद, इनको इस तरीके से हमने काट लिया। 2 टेबलस्पून हरा धनिया है हमारे पास, 4 से 5 अदद हरी मिर्च, इनको इस तरीके से हमने काट लिया। यहाँ पे बड़ी वाली हरी मिर्च है हमारे पास 3 अदद। 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून पिसी धनिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून यहाँ पर हमने पिसी हुई लाल मिर्च ले ली। और नमक लेंगे इस पर ज़रूरत। इसके अंदर 1/2 कप जो है ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, हल्दी मिर्च डालेंगे। तो अब जो है हम टमाटर के अंदर अपने मसाले ऐड कर देंगे, इसकी फिलहाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और किसी धनिया ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम छोटी वाली हरी मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और बाकी रख देंगे। तो अब इसके अंदर जो 1/2 कप पानी भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर और इनको मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट हो गया प्याज, ये देखिए प्याज को जो है हमने फ्राई कर लिया था 2 मिनट तक, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर के अंदर जो हमने मसाले ऐड कर दिए ऐड कर देंगे। ये देखिए जी हमने इसे 10 मिनट तक जो पका लिया था। यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इनको कर लेंगे मिक्स। देखिए इसको हमने 5 मिनट तक जो पका लिया था। इसके अंदर हम आलू और बैंगन ऐड कर देंगे, आलू और बैंगन ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए जी हमने इसको 10 मिनट तक जो पका लिया था। अब इसके अंदर हम 1 गिलास जो है पानी ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। तो अभी से जो है हम 15 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी हमने इसको 15 मिनट तक जो है पका लिया था। यहाँ पे हमारे पास काली मिर्च और जीरा, इनको हमने पीस दिया था, ये ऐड कर देंगे इसमें। इनको कर लेंगे मिक्स और इसी के साथ इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी हमने जो इसको 5 मिनट तक जो पका लिया था, अब इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है, सब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी हमारे मज़ेदार सा जो है बैंगन आलू ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।